जब गोल बनाना होता है तो पेंसिल दूर पकड़ना, और पास रह के गोल कभी नहीं बनता एक्चुअली। पास अगर ऐसे पकड़ूंगा ऐसे गोल बनाऊंगा नहीं बनता। नाही काढायचं आहे माझी आई, काल तुम्ही काढलंच ना, आज फक्त मी सांगितलं नेमकं कसं येते ते, आता तुम्हाला नाहीच जमलं तर आज फक्त पाहून घ्या मी कसं काढतो तर। ये हो गया जार कंप्लीट। अब कलर देखो, बस दो ही कलर है, व्हाइट ब्लैक। और एक बात, ये जो है देखो रेड पिंक येलो, ये यहाँ पे जो कलर दिख रहा ये सब इसके रिफ्लेक्शंस है। जो ये स्टील जहां पर होगा ये सब चेंज होगा, फिर जो जो रिफ्लेक्शन वहां पे आएंगे वो रिफ्लेक्शन उस पे दिखाना। गॉट इट? थोड़ा सा कलर ऐसा, वो कलर का थोड़ा सा कलर यहाँ पे मार देना, येलो का कलर यहाँ पे थोड़ा। हाँ तो ये कलर होने के बाद जो इसके जो ये स्टील का है तो इसके जो काफी रिफ्लेक्शंस है ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिरेंगे तो वो रिफ्लेक्शन मार देना, वो कलर रिफ्लेक्शन मार देंगे। ओके ऐसा होता है। अब फिलहाल अपन सादा स्टील जग बनाएंगे ब्लैक और ग्रे का, उसमें सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन कलर अलग अलग है। ये मैं व्हाइट ले रहा और एक व्हाइट ले रहा और एक व्हाइट ले रहा। उसके बाद तीन ही सेट कराचे हैं ग्रे चे, डार्क सेट कराचा। ये ज्यादा हो गई है वो चीज। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डार्क शेड, उसके बाद यहाँ पे है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का है, यहाँ पे है के बाद यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे है, ये कलर खत्म हो गया। तो बाद यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, उसके बाद है इधर थोड़ा लाइट से, इधर उससे लाइट से, ऐसे लाइट शेड बनाए। यहाँ पे व्हाइट भी है थोड़ा सा, लेयर पे लेयर मारना है बस। यहाँ पे लेयर कुछ पैटर्न के हिसाब से मत चलना, बस लेयर पे। यहाँ पे व्हाइट है, सॉरी ज्यादा से ज्यादा व्हाइट है, थोड़ा सा व्हाइट ज्यादा है। अरे यहाँ पे डार्क भी है, पूरे ले ऐसे व्हाइट के शेड पूरे बना के रखो, फड़ा मारना पड़ता क्योंकि सूख जाता, फिर मिक्स नहीं होता, ऐसे मार के रख देना। काफी शेड है इसमें, ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा रे बाप तुमको। ओके जैसे नारियल है ना वैसा, उतना नहीं पर थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। ये यहाँ पे व्हाइट मार रहा हूँ, ये ग्रे ही होती जा रहा, हट जान दे। अब इसको पानी, मायता है तो सर, और यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख मैं बता रहा हूँ, पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्यों पता है कि ये ब्लेंडिंग कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे। ओके यहाँ पे डार्क, अबे ये कहाँ से, नाइस अब देखो ये, अब थोड़ा सा यहाँ पे लिखा था, ये देखो यहाँ पे व्हाइट शेड है थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाइट शेड है,
यहाँ पे व्हाइट शेड है थोड़ा सा, व्हाइट शेड है, उसके बाद यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे है, अरे यहाँ पे भी है भाई, शाइनिंग तो आएगा ना भाई। पाहुन तर आहे पण माझा वाईट येत नाही ते, असं 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 करत आहे म्हणून। ये करने को मजा आएगा पर काफी काफी वक्त लग रहा है इसको करने में, काफी स्टील का है ना इसलिए ज्यादा वक्त ले रहा है ये। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे ये पोस्टर में तो इजी चले जाएगा, पर पोस्टर कलर में काफी मुश्किल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में ये ऐसा ये बॉर्डर दे देना, ये नहीं जमेगी किसी को भाई। ब्लैक मध्ये थोड़ा सा व्हाइट आहे, थोड़ा सा ग्रे टाइप चा सा डार्क। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, वो वैसे भी हार्ड है तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तुमसे। इसके बाद नहीं, एक काम करते आज के लिए ये दो ही ले लेते क्या, कि और एक सिखाओ आज? ठीक है, आपके किसने बाय बोला? सब पूछते परमिशन लेते, छुट्टी रही कोई पूछ, मतलब किसी को छुट्टी चाहिए तो वो भी बताते सर मैं आज क्लास नहीं कर सकता, सबकी बातों पे ध्यान रहता मेरा, कौन मुझसे परमिशन लेता नहीं आता, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस वो इम्प्रेशन गिरता कि आप मेरे को कितने लॉयल हो, समझे? बस चला, बहुत ज्यादा हो गया इतना, ठीक है ये थोड़ा सा काफी मुश्किल जाएगा अब बता दे रहा, पर टेंशन मत लो, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इससे आपसे कुछ। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देता मैं, पानी पानी से ब्लेंड कर रहा मैं। ओके मग बरोबर कराच ना, ते प्रैक्टिस नहीं थे बरोबर। काहीच फिल्टर काढता न करायचं असं काही नाहीये, कलर वर कलर कलर वर कलर लागल्यावर फिल्टर आणि गत
चल जान दो, और कर तो बोले तो बहुत कुछ आता है इसमें। अच्छा बताओ शैडो किस तरफ आएगी, शैडो किस तरफ आएगी? किसका फोन बज रहा है रे? अच्छा, मेरे को लगा तुम्हारा किसका बज रहा है। इसको भी ब्लेंड करना, इसको पानी से ब्लेंड करता, कभी भी शेडो को पानी से ब्लेंड किया जाता है, एक्चुअली कलर से किया जाता है। आपको वाटर कलर भी लेना ही है एक, जब मेमोरी ड्राइंग स्टार्ट होगी अक्टूबर में, तब मेमोरी ड्राइंग तब लेना ही है, सब कुछ लेना है, जिसका 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 मेमोरी ड्राइंग स्टार्ट होगा वो मैं वाटर कलर में सिखाऊंगा। हाँ हो गया, नाउ फाइनली डन। अब इसके कलर लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस दो ही कलर है भाई, बस मैं ये ऐसे तीन शेड बनाने का, या चार बना, वाइट वाइट के पूरे शेड लो, उसमें एक थोड़ा सा ब्लैक तो ज्यादा कम डालो, फिर ज्यादा भी ऐसे करके पूरे ग्रे के शेड बना, ये करते जाओ बस। ये मैं पहले ही बता रहा, हार्ड है, इसमें बस प्रैक्टिस ही चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हो गया, रिफ्लेक्शन के लिए देख लो पहले से, इसमें थोड़े से रेड रिफ्लेक्शन दिए तो देखो अब वो कैसे रहेंगे। जाओ दे, ये देखो मैं रेड कलर ले रहा हूँ, सॉरी ये क्रिमसम कलर है, इसमें थोड़ा सा ग्रे डाल देना मत, ओके नहीं ग्रे मत डालना, रुको थोड़ा सा देखने दो मेरे को मत। हाँ रेडिश टाइप का कुछ तो भी बना लेना, ओके और मार देना, ओके आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी मार दिया, ओके। अब यहाँ पे सपोज येलो टाइप का कुछ तो भी है, तो येलो में थोड़ा सा ब्लैक मिला लेना, मतलब ये कलर इसमें मिला मिला के मारना, डायरेक्ट येलो मत मारना, ऐसा नहीं होता, ओके। और ये मार देना यहाँ पे इस टाइप से, अगर रिफ्लेक्शन आता, अगर सपोज यहाँ पे ब्लू रहा, ब्लू रहा तो डायरेक्ट ब्लू कभी नहीं मारते, याद रखना, ब्लू को ऐसा डायरेक्ट नहीं मार सकते, पहले उसको ग्रे में मिक्स करो, क्योंकि ये ग्रे है ना, ग्रे में मिक्स करो और ग्रे के साथ यहाँ पे मार दो। ये आते रिफ्लेक्शन, हाँ अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहते मत बनाओ, क्योंकि वो जमेगा। अठीस को जिसको अब भी बनाना, जग अब भी बनाओ, नहीं बनाए लीव होना चाहते लीव हो, तुम्हारी जैसी इच्छा भाई।